हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीठी सेवियों की रेसिपी जो चाशनी से बनती हैं बिना दूध के। ये हमारे इंडिया में कई मौक़ों पे बनाई जाती हैं, जैसे अभी ईद आ रही है, ईद के मौके पे ये बनती है। हमारे यहाँ अगर बारिशों का मौसम आता है, सावन का महीना, उस समय मीठी सेवियाँ बहुत शौक़ से बनाई जाती हैं, सब लोग बनाते हैं, खाते हैं। बाकी कोई फेस्टिवल टाइम होता है तब भी हमारे यहाँ सेवियाँ बड़े शौक से बनाई और खाई जाती हैं। तो चलिए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने एक कप लिया हुआ है, सेवियाँ ली हुई हैं, रोस्टेड हैं, एंड हाफ कप शुगर ली हुई है। आपका इनको तीनों रेशियो बता देती हूँ, जितना सेवियाँ हैं उसकी आधी शुगर रहेगी और उससे जस्ट डबल सेवियों से पानी रहेगा। 2 कप पानी, 1 कप सेवियाँ एंड हाफ कप शुगर। ये देखिए, मैंने कैश्यूज लिए हुए 8 से 10 फाइनली चॉप, एंड ये आमंड्स लिए हुए 10 से 12 फाइनली चॉप, एंड ये देखिए छोटी इलायची मैंने दरदरी पीसी हुई है, और इसमें छिलके भी मैंने तो डाले, मैं बनाते समय डालूंगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो निकाल लीजिए या बन जाए उसके बाद निकाल लीजिएगा। ये 8-10 केसर थ्रेड से, एंड देसी घी लिया हुआ है। तो चलिए हम इसकी बनाना शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, मैंने गैस ऑन कर ली है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अराउंड 1.5 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे इसमें हम 1.5 टेबलस्पून, और उसके बाद ये डाल देंगे ये सेवियाँ। सबसे पहले हमें इनको रोस्ट करना है थोड़ा सा। ये देखिए, सेवियों को हम रोस्ट कर लेंगे। देखिए, इनको अच्छे से हमने हिलाते हुए इसको रोस्ट कर लेना है, बहुत नहीं करना है, 1 से 1.5 मिनट बस करना है। ऑलरेडी रोस्टेड बामी से ली थी। अब इनको देखिए, ये इस टाइम पे देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गए। हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। वो मिसली को, ये रोस्टेड को मैं इसमें देखिए इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, और उसके बाद मैं चलिए उसके बाद सेवियाँ बनाना शुरू करती हूँ। कि उसी पैन को मैंने ले लिया है, अब उस पैन में मैं पानी डालूंगी। मैंने आपको बताया था ना कि जितना वर्मिसली उससे दुगना पानी। तो देखिए, वर्मिसली ये 1 कप ली हुई थी, इसी का मैं देखिए 2 कप में ये भर के ये पानी डाल दूंगी इसमें। उसके बाद मैं डाल दूंगी ये शुगर, और इसको हमने हाई फ्लेम पे करके शुगर को मेल्ट कर लेंगे। अभी क्योंकि शुगर मेल्ट हो जाए, कोई हमने प्रॉपर चाशनी नहीं बनानी है 1 या 2 तार की, बस हमें शुगर मेल्ट करनी है। और याद रखिएगा कि जब आप वर्मिसली भून रहे होंगे तो उसको स्लो फ्लेम पे भूनिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी एकदम से जल जाएगी तो वो सारे टेस्ट को ख़राब कर देगी सेवियों के। ये देखिए, बस हमारे को इतना करना है जितने ये शुगर ये मेल्ट हो जाए। ये देखिए, लगभग देखिए मेल्ट होने लगी है। इस टाइम पे हम इसमें ये डाल देंगे। ये देखिए, ये जो सेवियां हमने रखी थी, ये सेवियां हम इसमें ऐड कर देंगे। सेवियां ये देखिए, सेवियों को हम 2 मिनट स्लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको पकाएंगे 2 मिनट तक। तब तक चलिए हम ड्राई फ्रूट भी रोस्ट कर लेते हैं और इनको होने देते हैं। देखिए, पीछे सेवियां मैंने पीछे कर दी हैं और इस साइड में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेती हूँ। ये मैं अराउंड 1 स्पून मैं ऑयल ले लूँगी, इसमें मैं डाल दूँगी ये जो हमने काट के रखे हुए थे बादाम और काजू, और इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने भूनना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं करना। और उधर जो हमारे केसर थ्रेड्स थे, इसमें हम जरा सा पानी लेके इसी से गरम इसमें डाल देंगे। और केसर थ्रेड्स भी ऑप्शनल है, आप डालिए, आपके पास है नहीं अब है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है और थोड़ा कलर अच्छा हो जाता है।
इसको मैंने रख दिया साइड में। देखिए हमारी चाशनी भी मैं हिलाती रह रही हूँ। उसके बाद हम पहले 2 मिनट पका लेंगे अच्छे से रस जाए, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे। इधर हमारे ड्राई फ्रूट्स हो रहे हैं, देखिए उनको मैंने स्लो फ्लेम पे किया हुआ है, इसको कंटिन्यूसली हिला रही हूँ कि जिससे ये जल ना जाए। देखिए जब ये भुनने लगेंगे तो एक अच्छी सी स्मेल आने लगेगी और हल्के से लाइट ब्राउन से हो जाएंगे। ये देखिए, देखिए ड्राई फ्रूट हमारे बस हो गए। अब हम इनको बंद कर देते हैं और 1 मिनट सेवियों को हम और करेंगे। देखिए हमारी सेवियों को 2 मिनट हो गया है। अब इस टाइम पे हम इनको कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देंगे स्लो फ्लेम पे, जिससे ये अच्छे से फटाफट जल्दी से पक जाए। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको मैं खोल के देखती हूँ। ये देखिए आपको अभी इसमें पानी दिखा रहा होगा, पर ये कोई बात नहीं, ये अभी सारा सोक कर लेगा। इस टाइम पे हम इसमें ये जो केसर थ्रेड डाले हुए थे वो डाल देंगे। और ये छोटी इलायची जो हमने पीस के रखी हुई थी ये डाल देंगे। और ये देखिए हमारा अभी आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसको दोबारा से कवर करना है 1 मिनट के लिए, स्लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। और 1 मिनट के बाद हम इसको आप गैस बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप 5 मिनट बाद खोलेगा, हमारी सेवियाँ बिल्कुल तैयार होंगी। बस 1 मिनट और पकाना है हमको स्लो फ्लेम पे, एंड उसके बाद इसका ढक्कन नहीं हटाना है। 5 से 10 मिनट ऐसे ही ढके पड़े रहने दीजिएगा। चलिए उसके बाद हम खोलते हैं, फिर देखते हैं हमारी सेवियाँ बन गई हैं कि नहीं। चलिए अब मैं खोल के देख लेती हूँ इसको। ये देखिए इसका सारा पानी सोख हो गया है, सारा इसने कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इस टाइम पे हम इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने करे हुए थे ये भी हम मिक्स कर देंगे और हमारी मीठी सेवियाँ खाने के लिए तैयार हो गई हैं बिल्कुल। आप भी इसको बनाइए और बताइएगा कि कैसी बनी है और कैसी लगी आपको। शुगर का देख लीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल बताइए मैंने। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो शुगर थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेवियाँ बन के बिल्कुल तैयार हो गई खाने के लिए। आप इनको देखिए और ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आप ट्राई करेंगे और कैसी बनी तो ये भी ज़रूर मेरे को बताइएगा। और आप मेरे और भी वीडियोस देख रहे होंगे, वो आपको कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।